देवरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग प्रबंधक की घोर लापरवाही सामने आई है। नियमों को दरकिनार करते हुए मेडिकल वेस्टेज को खुले में फेंका जा रहा है, इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। चिंता की बात तो ये है कि जिस गेज नदी किनारे नगर पालिका प्रशासन मेडिकल वेस्ट को डंप कर रहा है, इसी गेज नदी का पानी बैकुंठपुर के लोग पीते हैं। नदी किनारे ही मेडिकल वेस्ट डंप करने से यहां संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। बैकुंठपुर SLRM सेंटर के पीछे का यह दृश्य है। यहाँ बैकुंठपुर जिला अस्पताल का निकला हुआ मेडिकल वेस्टेस्ट कचड़ा को ऐसे खुले में ही फेंका जा रहा है। कई बार मौखिक लिखित शिकायत करने के बाद भी यहाँ की स्थिति नहीं सुधर रही है। SLRM सेंटर के अंदर में ही गौठान बनाया गया है, वहाँ से जब गायों को छोड़ा जाता है तो जो भी गायें वहाँ से छूटती हैं पूरा यहाँ का कचड़ा खाती हैं और बीमार पड़ती हैं। और इससे परेशानी है कि इसमें सुई नीडिल वगैरह सब है, कौन सी बीमारी की सुई कौन से आदमी को औरत को जो यहाँ कचरा छाटने आते हैं, बहुत से कबाड़ी लोग भी यहाँ कचरा बीनने आते हैं, उनके हाथ में चोट लग रही है, इसका जवाबदार कौन है। कल ही इसी संबंध में जो जिला स्वास्थ्य समिति है उसके अंतर्गत जो JDS है उसकी बैठक हमने की थी। इसमें विस्तृत रूप से जो निर्देश दिए गए कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको किसी भी तरह से सामान्य कचरे में ना डालने के लिए हमने वहाँ पर सिविल सर्जन में निर्देश किया था। और जो अंबिकापुर से फर्म आती है बायोमेडिकल वेस्ट ले जाने के लिए, सारा वेस्ट हमने बोला कि उन्हीं को देना है और जो सामान्य कचरा होता है केवल उसी को नगर पालिका के द्वारा यहाँ से उठाया जाएगा। परंतु जैसे आज एक आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बायोमेडिकल वेस्ट सामान्य कचरे में भी डाल के बाहर फेंका जा रहा है, तो उसके लिए हमने पुनः जो वहाँ पे सिविल सर्जन है प्लस CMHO को एकदम स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह से जो गतिविधि है उसको तत्काल रोका जाए और व्यवस्था को सुधारा जाए।